जिले के नया भोजपुर स्थित महाराजा कोठी के सामने याकूजा इलेक्ट्रिक बाइक की नई शोरूम भोजपुर इंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के तमाम प्रबुद्ध जन एवं डुमराव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे लोगों ने यह बताया कि निश्चित रूप से मोहम्मद महताब खान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पहले बक्सर नगर के गोपाल नगर चकिया के समीप रॉयल एंटरप्राइजेज नामक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम खोला था और अब उन्होंने डुमराव महाराजा कोठी के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर यह शोरूम भोजपुर इंटरप्राइजेस के नाम से खोला है। निश्चित रूप से इस पहल से पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, साथ ही साथ लोगों की जेब पर भी काफ़ी कम बोझ हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ऐसे में बाइक चलाना सभी के लिए मुमकिन नहीं है और जो लोग बाइक चला रहे हैं उन्हें काफ़ी आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ रहा है। ऐसे में निश्चय ही यहाँ कम कीमत में इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराकर वह जनता का काफ़ी भला कर रहे हैं। इस संदर्भ में संचालक मोहम्मद महताब खान ने बताया कि यह उनकी दूसरी बाइक शोरूम है, तीसरी बाइक शोरूम वह आरा में खोलेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और भोजपुरवासी या पूरा डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए जो है ना, हम एक छोटा बेटा है, ठीक है, और बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत लोग जो है ना गोद में लिए रहते हैं। इसके लिए पूरे बक्सरवासियों के बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अगला बहुत बड़ा टारगेट है, बल्कि मेरे को पूरे बिहार के जो है ना एक एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एकाध दो शब्द तो होगा ही, ठीक है, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। और ये सोच ये है कि बस इसको जो है ना, इस प्रदूषण को जो है ना ख़त्म करके इस अपने पर्यावरण को, जो कि मेरे गवर्नमेंट की भी इसके लिए बहुत जो है ना कोशिश है, चाहत है, और उसका मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से इस कंपनी को इतना अच्छा जो फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट ने, कि काफ़ी राहत भरी चीज़ है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी राहत भरी। और काफ़ी खुशी वाली बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें फैसिलिटी मिलती है कि इसको रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ी को हम चला सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई नंबर प्लेट का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें कोई डीएल का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें बस आएँ आप आधार कार्ड लेकर 5 मिनट में गाड़ी लेकर के बस चले गए, ठीक है। और इतना कम रकम मात्र 35,000 रुपये में, कि हमारे कंपनी के अलावा किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो आपको 35,000 रुपये तो सिर्फ डाउन पेमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मेरा कंपनी और याकूजा ने ही ये सुविधा दिया है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मतलब जिलावासियों को पहले इसका फ़ायदा पहुँचाएँ, इसके बाद अदर स्टेट है, अदर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद मेरा तीसरा शॉप जो है आरा में खुलने जा रहा है। सबसे बड़ी शायद जिले के एतबार से सबसे बड़ी पहचान है डुमराव महाराजा गेट, ठीक है, पूरा जिले का एक बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद बिहटा और बक्सर के बाद बिहटा के सोन होटल के बाद अगर सबसे खूबसूरत लोकेशन है NH 922 का, ठीक है, तो वही है स्मार्ट सिटी होटल, तो ये मेरा पहचान है। उद्घाटन समारोह में पहुंचे चिकित्सक तथा अन्य प्रबुद्ध जनों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने जमकर इस पहल की सराहना की और कहा कि निश्चय ही यह इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पब्लिक फ्रेंडली भी है। मौके पर जो भी लोग पहुंचे थे उन्होंने बाइक की खूबियों के बारे में भी बारीकी से समझा। के हिसाब से आज के समय को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो वाकई में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की तबीयतों पर असर पड़ रहा है प्रदूषण के वजह से, धूल धुएँ के वजह से, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी अगर हम लोग ई व्हीकल का चुनाव करते हैं तो उस क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो हमारे छोटे भाई ने इस शहर के लिए एक एजेंसी यहाँ पे लाके प्रोवाइड किया है, तो ये बहुत बड़ी, यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए भी ये बहुत राहत देने वाली बात है, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत जो है हर लोगों के पहुंच के अंदर है। मिडिल क्लास फैमिली, इवन की लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी जो है ये बहुत ही राहत देने वाली चीज़। मैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, मैं फिजिशियन हूँ डुमराव में। डुमराव के अनुमंडल पदाधिकारी ने भी उद्घाटन के मौके पर पहुँच कर बाइक की खूबियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने यह कहा कि निश्चय ही यह बाइक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सरकार की सोच के अनुरूप है और यह लोगों के जेब पर भी काफ़ी कम बोझ डालती है। संचालक के भाई ने भी संदर्भ में काफ़ी कुछ जानकारियां दी। बेसिकली ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक का ये खासियत है कि जो रोड पे इमिशन देख रहे हैं, पॉल्यूशन देख रहे हैं, उससे बचने का मौका मिलेगा आपको। ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्रेंडली है,
और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंडली है, जो यहाँ पे जिस तरीके के लोग रहते हैं, जो उनका रिक्वायरमेंट है, उनका बेसिक वेजेज है, उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट रेंज की गाड़ी है। हमारे यहाँ ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 35 के से, और वैसे लोगों के लिए काफ़ी आने जाने के लिए सहूलियत होगा, उनको बिज़नेस एक्सपैंड करने का सहूलियत होगा। और एक और अभी हमारे तरफ बूम आने वाला है जो कि डिलीवरी वाला, जो कि फूड डिलीवरी हो गया, ग्रोसरी डिलीवरी हो गया। तो ये अगर कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर कर रहा है खाना, तो उसको ये लेके और उसको जिस तरीके से वो डिलीवर करेगा, उसको जितना इकोनॉमिकल होगा उसको भी फ़ायदा होगा, कस्टमर को डिलीवरी चार्ज भी फ़ायदा लगेगा और रेस्टोरेंट भी उसके वजह से ज़्यादा चलेगा। तो इसमें सबका विन विन कंडीशन है। माइलेज की बात करें सर, तो माइलेज मैक्सिमम कितना मिल पाएगा? माइलेज ऐसा है कि इसमें तीन वेरिएंट है हमारे पास, इसमें एक 48 वॉट का है, एक 60 वॉट का है, एक 72 वॉट्स का है। तो 48 वाला जो है अराउंड वो 45 के आसपास, एज ए 45 टू 50 आता है, और जो 60 वाला है वो अराउंड 55 के आसपास हो जाएगा, लाइक 55 टू 60। और जो नेक्स्ट वाला 72 है उसका अराउंड 60 टू 70 जाएगा। 80 वगैरह का भी आप लोग फाइनेंस का, हाँ सुविधा है उसको दिया गया है। आप मिनिमम आपका जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको अगर आप पार कर रहे हैं तो आप फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं। आप मिनिमम डाउन पेमेंट करके उसको आपको इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। पर त्यौहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में ग्राहकों के लिए क्या कुछ ऑफर दे रहा है? अभी जो हमारे पास है, हम लोग अभी ये दीपावली और छठ को लेके 2500 रुपये कस्टमर के लिए सारे मॉडल्स में रखे हैं डिस्काउंट का। ये एप्लीकेबल है 10 नवंबर तक, उसके बाद से फिर हमारे इसका चार्जेस बढ़े। एक्सेसरीज वगैरह में भी कुछ आ रहा है? एक्सेसरीज पे अभी एक्सेसरीज हमारा तीन है, उस पे बहुत वो बेसिक है, तो उस पे अभी फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं। गाड़ी खरीदने के लिए सर्विस, एक्सेसरीज का रेट है 1600 रुपया, 600 रुपया और 200 रुपया। तो टोटली ग्राहक खरीदेंगे, यदि सर्विस कराना होगा तो कहाँ जाएंगे? वो हमारे पास है, हमारे पास ये सेल्स सर्विस और स्पेयर, ये तीनों सर्विसेज अवेलेबल है। किसी भी कस्टमर को अगर सर्विस में प्रॉब्लम आता है या कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेना है, वो आके हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये कहाँ कहाँ अभी तक इसका प्रतिष्ठान आप लोग खोल चुके हैं? ये दो जगह अभी हो चुका, ये दूसरा था एक बक्सर में ऑलरेडी हो चुका है, उसके एक महीना हो गया यहाँ पे, ये दूसरा है भोजपुर में आज जो हो रहा है। और भी हमारे प्लान है, मोस्ट प्रोबेबली एक नेक्स्ट आ रहा आएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मिराज अहमद हुआ। क्या है यहाँ के? ये मेरे भैया का है, मैं लाइक ऑक्यूपेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर यहाँ पे अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। बहरहाल दीपावली और छठ के मद्देनजर ग्राहक यहां अपनी पसंद की इलेक्ट्रिक बाइक चुन सकते हैं और आकर्षक छूट का भी लाभ उठा सकते हैं।